नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुरेंदु ओझा। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने पीडियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बच्चों के संबंध में हम लोग बीमारियों के जिक्र कर रहे हैं तो बच्चे जब पैदा लेते हैं उन्हें हर्निया की भी शिकायत आती है। आज अमूमन बड़ों में देखा गया है लेकिन ये बच्चों में भी अब आता है, तो हर्निया का क्या, कैसे इलाज करते हैं? बड़ों का तो इलाज डिफरेंट तरीके से होता है, बच्चे कैसे करते हैं? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताया, बच्चों का हर्निया का कारण अलग होता है, इलाज अलग होता है। हम लोग में जो हर्निया होता है उसका कारण अलग होता है और इलाज अलग होता है। अब बच्चों में जो हर्निया होता है इसलिए होता है कि किडनी के नीचे टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है, किडनी के नीचे टेस्टिस बनता है और वो खींच करके 9 महीना आते आते टेस्टिस जो है स्क्रोटम में आ जाता है, जिससे खींच करके आता है वो झिल्ली होता है जिसको कहते हैं प्रोसेसेस वेजाइनलिस। अगर वो बच्चा रोने के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है, अगर किसी कारण से बंद नहीं हुआ तो उसमें अगर पानी आता है तो हाइड्रोसील कहते हैं और अगर अंतड़ी उतरता है तो उसको कहते हैं हर्निया। इलाज है हर्नियोटमी, प्रोसेसेस वेजाइनलिस को काट करके बांध दिया जाता है। एडल्ट में हर्निया का कारण होता है कि आप मोटे हैं, भारी चीज़ उठाया है और ऑपरेशन हुआ है तो मसल जो है पेट का वो वीक हो जाता है जिसके कारण हर्निया होता है, ठीक है। तो उसका इलाज है हर्नियोराफी। राफी मीन्स रिपेयर, टोमी मीन्स कट। इन द बच्चों में हम कट करते हैं हर्निया को, कारण अलग है। एडल्ट में हम राफी करते हैं, रिपेयर, कारण अलग है। अब हाइड्रोसील हम लोगों का इलाज जो एडल्ट में होता है वो टेस्टिस में पैथोलॉजी होने के कारण आपका ऑपरेशन देखे होंगे कि हाइपोथा में होता है, स्क्रोटम में होता है, लेकिन बच्चों में हाइड्रोसील का ऑपरेशन जहाँ हर्निया हो का ऑपरेशन होता है वहाँ होता है, वहाँ हर्नियोटमी ही करते हैं। उस सैक को काटना जरूरी है और बांधना जरूरी है, तो कारण अलग, इलाज अलग। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो मेल चाइल्ड में बताया टेस्टिस, अगर फीमेल चाइल्ड में भी है सेम चीज़। फीमेल चाइल्ड में यूजुअली जो होता है ओवरी निकल के आता है, ठीक है ना, ओवरी निकल के आता है या इंटेस्टाइन भी आता है, सेम चीज़। गुबर्नकुलम होता है वो नीचे खींच करके आता है जेनाइटल एरिया में, उसको भी उसी तरीके से काट करके बांधा जाता है, वो जिससे खींचता है जो छेद है उसको बंद करना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे जो एक चीज़ मैं भूल गया बताना, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग फेस करते हैं, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन। तो टाइमिंग ये होता है, हाइड्रोसील इज नॉट अ इमरजेंसी अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। हाइड्रोसील कोई इमरजेंसी नहीं है, ये देखना है कि कितना बड़ा पानी है, किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर छोटा सा पानी है और नहीं बढ़ रहा है तो आप उसको टाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें इंटेस्टाइन उतर रहा है तो इसको जल्द से जल्द ऑपरेशंस कराना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि हर्निया फंस जाता है, अगर फंस गया तो रिश्तेदार और बच्चे फंस जाते हैं बेचारे, मेरी बात समझिए ना, उसका गंजन हो जाता है, बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। हर्निया बहुत छोटा ऑपरेशन है, तो ये फंसने से पहले रिस्क नहीं लेकर के चुपचाप करा करके आगे निकल जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे बच्चों में हर्निया, इन्होंने बताया जो बड़ों में हर्निया के कारण अलग हैं, लक्षण अलग हैं, इलाज अलग है। बच्चों में होता है उनके कारण अलग हैं, इलाज अलग है, लक्षण अलग हैं। तो अगर डॉक्टर साहब ने जो जो चीज़ बताया, जो आप टाइम वेस्ट ना करें, अगर पता चल जाए तो तुरंत ऑपरेशन करवाएं, बच स्मॉल ऑपरेशन है और बच्चा इससे ठीक हो सकता है। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें Facebook पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।